केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बनाए गए हैं वह बेहद गलत है। किसान जत्थेबंदियों द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है और आज हमारी अलग अलग कई द्वारा किसान संघर्ष कमेटी बनाई गई है, जिसके किसानों के समर्थन में जो कल भारत बंद की कॉल दी गई है उसके समर्थन के लिए शहर में एक गाड़ी पर स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट की जा रही है और पर्चे भी बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि यह केवल किसानों पर हमला नहीं है, आम लोगों पर भी हमला। हर वर्ग के लोग इस कानून से प्रभावित होंगे। हम यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि कल रिलायंस मॉल के हर बड़ी गिनती में पहुंचकर संघर्ष किया जाए और इन काले कानूनों का समर्थन किया जाए। मेरा नाम वरिंदर सिंह। अज का जिहड़ा साडा ये प्रोग्राम किया गया है ये किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा 8 दसंबर को भारत बंद का सद्दा दिता है वो संबंध के विच है, क्योंकि असी वख-वख जथेबंदियां ने एक किसान संघर्ष समर्थन कमेटी बनाई है जिदे तहत अज असी लोग शहर के लोगों को दुकानदारों लीफलैंड बंद के एक स्पीकर राही ये जानकारी दे रहे हैं कि जिहड़ा किसानी ते हमला सेंटर सरकार ने करया कल्ली किसानी ते नहीं, ये हमला समुची लकाई ते है। जिवें दुकानदार इहदे नाल प्रभावित होणगे, जिवें किसान इहदे नाल प्रभावित होणगे, ते जिवें सेंटर सरकार ने सरकारी इदारां दा निजीकरण कराया गया ये हमला सारी समुची लकाई ते है। ते कल नूं भारत बंद दे सद्दे दा समर्थन करदे होए दुकानदारां नूं असीं अपील कर रहे हैं कि जिहड़ा अपना रिलायंस मॉल बठिंडे विच है उत्थे शहर निवासी जिहड़े वड्डी गिणती दे विच इकट्ठे हो के इन्हां काले कानूनां दा खेती वाले काले कानूनां दा विरोध करन ते जिहड़े किसान संघर्ष कर रहे हैं उन्हों का सहयोग दर्ज करना। बिल्कुल जी, असं ये लीफलैट बन रहे हैं दुकानदारों जोड़े राह खड़े लोग है आते जाते उन्होंने वंट के तो स्पीकर राही अनाउंसमेंट करके ये लोगों तो सहयोग की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन खान के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें